पहले क्या करना है आपको? गाड़ी स्टार्ट करनी है। गुड, क्लच दबा के किया तो अब क्या करना है? अब हमें गाड़ी गियर हमें न्यूट्रल से फर्स्ट पे करना है। गुड कीजिए, वेरी गुड। अब कैसे बढ़ाओगे? हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे, गुड जहाँ पे वो वाइब्रेट होने लगेगा वहीं पे चलने लगेगी गाड़ी। गुड, कार पिकअप हो गई हमारी, लेफ्ट जाना आगे से। अब क्या करना है? आवाज आ रही है कार में? कार में आवाज आ रही थी, हमें गियर चेंज करना है। वेरी गुड, याद आपको तो सब कुछ? थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही। लाइट में देखा? हाँ, कोई नहीं। गुड, तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इन ये 25 दिन बाद आए हैं, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो आज फिर से इन्होंने रिज्यूम किया है, और देख ही पा रहे हो आप कैसा ये चला रहे हैं, बिल्कुल फ्री माइंड और चेहरे पे स्माइल है इनके। बिल्कुल फ्री माइंड चलाते हैं ये। गुड, जब तक आगे का क्लियर ना हो ऐसे ही ब्रेक से पांव हटाना नहीं है, ठीक है? जैसा अब किया आपने, बहुत अच्छा किया है। गुड, डर तो नहीं लग रहा इतने दिन बाद? थोड़ा बहुत तो लगता है, बट चलाने लग जाओ तो फिर थोड़ा कम हो जाता है। गुड, ये ऐसे शार्प टर्न जो होते हैं ये हमें किस साइड से लेने होते हैं? लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड का टर्न है तो लेफ्ट साइड से लेंगे। गुड, और राइट साइड का टर्न है तो? राइट साइड से। गुड, शार्प टर्न। हाँ, वेरी गुड। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो से सीख सकते हो, जो शार्प टर्न होते हैं वो राइट साइड का, जैसे कि इन्होंने प्राची जी ने बताया है कि राइट साइड का टर्न है तो राइट लेन से लेना है, और लेफ्ट साइड का टर्न है साथ तो लेफ्ट साइड से लेना है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर शार्प टर्न है, अगर राइट का टर्न है, जैसे कि आप आगे देख पाओगे आगे राइट का टर्न है और शार्प टर्न है, अगर हम लेफ्ट साइड से लेंगे तो डिवाइडर के क्लोज रहेगी हमारी कार, क्योंकि हमें राइट में घुमाना है। अगर इन केस स्टेयरिंग ना घुमा पाए आप राइट में तो डिवाइडर के क्लोज हो, हिट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ऐसा ही होता है ना? गुड, याद आपको ये सब अभी तक? हाँ, आपने अच्छे से सिखाया ना इसलिए। वेरी गुड, सीखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेफ्ट ले लेना। क्लास में देखा? हाँ। तो कोई है नहीं? कहाँ देखेंगे, ट्रैफिक आ रहा है तो रोक लेंगे, और स्लोप पे खड़े हैं। क्या क्या करना है स्लोप पे? स्लोप पे ब्रेक पे पैर रहेगा और क्लच पे धीरे धीरे हम छोड़ेंगे, जैसी वाइब्रेट होने लगेगी वैसे ही ब्रेक से हटा देंगे। वेरी गुड, कार अपने आप चल पड़े। हाँ, वेरी गुड। चलिए, लेफ्ट का टर्न कौन सी लेन में लेना होता है? लेफ्ट से। और कौन सी लेन में आओगे टर्न करने के बाद? लेफ्ट पे। वेरी गुड, ताकि पीछे ऐसे आने वाला ट्रैफिक को डिस्टरबेंस ना हो। गुड, बहुत बढ़िया। सीधे जाने के लिए कौन सी लेन का इस्तेमाल करोगे? मिडल लेन। मिडल लेन। वेरी गुड। जेब्रा क्रॉसिंग को कैसे टारगेट करते हो? आइडिया लगा के वो थोड़ा सा दिखना चाहिए, उससे पहले फिर मैं रोक देती हूँ। गुड, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग दिखनी चाहिए। दोस्तों जिसको भी आगे का आइडिया नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग का आपका चालान हो सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, तो जैसा कि इन्होंने देखा हल्की सी कार हमारी, हमें जेब्रा क्रॉसिंग कार से दिख रही है, तो आपको भी इतना ही दूर रोकना है, तो ऑटोमेटिकली जैसे वो आप देख रहे हो आई टेन ग्रांड है या ये फिर दूसरी गाड़ी है होंडा सिटी, ये जेब्रा क्रॉसिंग पे है, चालान में है ये,
तो आपको भी इतना सा दिखना चाहिए, ये हल्का सा, जैसा कि इन्होंने बताया आपको वीडियो में कि हल्की सी दिखनी चाहिए, तो अपने आप गैप रहेगा। टाइम कितना है? 32 seconds. वेरी गुड, रखते हो ना ध्यान? आई साइड चेक कर रहा हूँ या मेरी आई साइड चेक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको ड्राइविंग करते टाइम याद होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं से बेहतर बनती है ड्राइविंग। वेरी गुड, तो ब्रेक पे पाँव रख के हॉर्न देना है उसको। ठीक है, आपने अच्छा किया था, मैं देख रहा था ब्रेक पे पाँव रखा था, बट वो साइड में आया ही नहीं उधर निकल। हाँ, राइट जाएंगे आगे से, कोई है पीछे? ट्रक है वैसे पीछे वो। नहीं निकल पाएंगे आराम से, चलो देखो वही ना यार, द्वारका में बहुत छोटी छोटी लगती है। ये जो पीछे वाइट पट्टी गई है, ये किस चीज का साइन था? जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर। हाँ गुड, जेब्रा क्रॉसिंग का। हाँ वो तो ये, हाँ, और जेब्रा क्रॉसिंग की ये पहचान होती है, ये दो जो पतली पट्टी दिख रही है ना आपको, ये कॉर्नर वाली आगे भी और पीछे भी, हाँ, ये होती है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर पे एक ही होती है? स्पीड ब्रेकर पे खाली लंबी लाइन होती है। अच्छा, कई बार वो स्ट्रिप वाली, हाँ, जो स्ट्रिप वाली जो बना देते हैं। हाँ, राइट का टर्न राइट की लेन से कौन सी लेन में राइट में। ये होती है दोस्तों लेन ड्राइविंग, आप राइट में खड़े हो तो राइट में ही टर्न करोगे, ऐसा नहीं है कि आप मिडल लेन में चले गए टर्न करते करते या लेफ्ट वाली लेन में चले गए। आपके साइड में जो कार खड़ी है, जैसे सेंट्रो खड़ी है या पीछे कोई भी हमारे है, या फिर आगे ये ब्लू कलर का टेम्पो देख रहे हो आप, इसको भी अगर राइट जाना होगा तो इसको बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके सामने चले जाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से। अरे टाइम अब भी निकल जाएंगे, रेस बढ़ाओ। जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस हो गई ग्रीन में, हाँ। अब कोई टेंशन नहीं है, वो नहीं निकल पाए ना, निकल पाए तो कोई बात नहीं, ये चेंज हो जाते हैं, माइंड में प्रेशर नहीं बनाते हैं, आप उसके बारे में सोचने लगे ना। हाँ, मेरे को उसको जल्दी हो रही है तो इसलिए रह गया। नॉर्मल माइंड करते तो सेकंड बाद में पिकअप हो जाते। बहुत बढ़िया चलाया आपने आज, थैंक यू, वेलकम।